वहीं 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है, जो कि ये शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 11.40% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यानी कि 63.11% तो महाराष्ट्र में सबसे कम 42.63% वोटिंग हुई है। असम में 3 बजे तक मतदान 63.08% हुई है। तो वहीं बिहार की बात करें तो 3 बजे तक मतदान 46.69% रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में 63.11% मतदान हुआ तो उत्तर प्रदेश में 46.78% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 42.63%, मध्य प्रदेश में 54.09%, कर्नाटक में 54.20%, गुजरात में 47.03% और गोवा में 61.39% मतदान हुआ है। वहीं दादरा नगर हवेली में 52.43% वोटिंग हुई है। वहीं वोटिंग के बीच कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जहां बिहार में वोटिंग के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर आई। वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प की भी खबर सामने आई है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाला। लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन कई दिग्गजों ने मतदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जनीलिया, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई अन्य लोगों ने वोट डाला। वहीं भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता और बहन ने भी वोट डाला है। वहीं जब पीएम मोदी ने वोट डाला तो उनके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बात की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वोट डालने के बाद कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए 30वें चरण का मतदान आज चल रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा चरण बीजेपी के लिए अच्छा रहा और पूरे देश में सकारात्मक माहौल है और लोग पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा सरमा भी अपना वोट डालते हुए नजर आए और वोट डालने के बाद कहा कि आज असम लोकसभा चुनाव का आखिरी दिन है, हमने इसे शांतिपूर्वक पूरा कर लिया। भाई इस गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज लोकतंत्र के महापर्व का तृतीय चरण का मतदान हो रहा है और हम अपने गांव मतदान के लिए जा रहे हैं और उसके पहले प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं, उनका दर्शन करके जा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम सभी मतदाताओं से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें, अपने मताधिकार का Today also I am sure we are going to record 80% vote, 80%. I'd like to thank people of Assam for peaceful voting. For a very good turnout and I am sure that people of Assam will support a Bharat which will become Vishwaguru, which will achieve its goal in Amritkal.